चलिए मौसम के बाद रुक कुछ और खबरों का भी। डिंडोरी से खबर, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नर्मदा नदी में बने करीब 18 मकानों पर कार्रवाई की गई है। राजस्व नगर परिषद पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से मकानों को तोड़ दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े पुल से लेकर शंकर घाट तक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इमली कुटी घाट तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। एनजीटी के आदेश पर कलेक्टर ने 15 अतिक्रमण को हटाने का काम किया। बता दें कि पहले सभी को नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए, उसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो यह एक्शन लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब लोगों ने नोटिस की ओर ध्यान नहीं दिया, इस जगह को खाली नहीं किया, तो प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरा मकान को पूरा नुकसान ना मार के कहते हैं दरवाजे निकालने दिए, ना गैस पट्टी निकालने दिए, ना लैट्रिन वाला कोई, पूरा सामान हमारा अंदर दब गए। कल से मात्र सोने पड़ने का सामान, बनाने खाने का सामान भर निकाल पाए। कल पूरा दिन काम किए, आज पूरा रात हो गया सर काम करते, और अभी भी और लेबर भी लगा लिए। इसके बाद लेबर लगने के बाद में अब पूरा सामान आके तहसीलदार साहब बोल दिए कि हम नहीं देंगे आपको टाइम, और ईंटा का चट्टा लगा दिए थे पूरा ईंटा में, क्या कहते मशीन चलवा दिए। एनजीटी के आदेश के तहत कोर्ट का भी आदेश है, गिराना पड़ा है, और 15 में से 3-4 लोग ऐसे जिनकी व्यवस्था नहीं है तो उनको करेंगे व्यवस्था। बाकी लोगों के सबसे मकान जमीन है अपने अपने गांव में, वो वहां चले जाए। ये जानकारी लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी निषाद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषाद जानकारी दीजिएगा। देखिए प्रतिक्रिया यहाँ हम सुन रहे थे, पीड़ित महिला की प्रतिक्रिया हमने सुनी, इसके अलावा अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो भी हम दर्शकों को सुना रहे थे, लेकिन जरा मामले को समझाएगा आखिर मामला क्या था, कब नोटिस मिला, उसके बावजूद अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया, और अब किस तरीके से इन पीड़ित लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एनजीटी के निर्देश हुए नर्मदा नदी के किनारे जिन लोगों ने अतिक्रमण